हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि होली आ गई है, तो आज की वीडियो होने वाली है होली के ऊपर। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि होली के टाइम पर आते हैं मार्केट से वैरायटी ऑफ कलर्स, जो कि बने होते हैं कुछ हर्बल, कुछ सिंथेटिक और कुछ बने होते हैं कांच की, जो कि हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब भाई, कलर हो चाहे सिंथेटिक या फिर हर्बल, हमारे स्किन को कहीं ना कहीं से नुकसान तो ज़रूर पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स, टेंशन के लेते हैं आज की इस वीडियो में यही मैं बात करने वाली हूँ कि आप इस होली के सीज़न में आप अपनी स्किन को कैसे बचा सकते हैं। होली खेलते टाइम आप पर कोई भी कैसा भी रंग यूज़ करे, आपको आज मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ उसकी वजह से आपको आपकी स्किन पे कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो फ्रेंड्स, होली के टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है अपनी आईज का, अपने हेयर्स का, अपने फेस का और अपने जो नेल्स के साइड में हमारी स्किन होती है उनका। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आप अपने नेल्स के साइड में जो स्किन होती है उसे आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप नेल पेंट यूज करती हैं तो आपको अपने नेल पेंट को डबल कोटेड करना है, आपको उस पर दो बार कोट करनी है उस नेल पेंट की, और आपके जो नेल्स के साइड की स्किन होती है उस पर वैसलिन अप्लाई करना है होली खेलने से जाने से पहले। अब बात हो गई नेल्स की, अब हम आते हैं आईज के ऊपर। आईज को सबसे ज़्यादा आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोई भी सनग्लासेस या फिर शेड्स वेयर करके। आप इसको बहुत ही ईजिली प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हार्मफुल कलर से, क्योंकि एक बार अगर हमारी आईज में ये सिंथेटिक कलर चले जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन कॉज करते हैं, हमारी आईज हो सकती है बहुत ही ज़्यादा रेड और इचनेस भी इसमें क्रिएट हो सकती है। तो बेटर तरीका यही है कि आप अपनी आईज को सनग्लासेस या फिर कोई भी स्पेक्टिकल वेयर करें यहाँ। सो फ्रेंड्स, अब बात हो गई है नेल्स की एंड आईज की, अब बात करते हैं हम अपने हेयर्स की और अपने फेस की। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप होली खेलने जाने वाले हैं तो उससे पहले आप अपने हेयर्स पर हल्का फुल्का कोई भी ऑयल, या फिर सबसे बेटर है कि आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें। आप कोई भी कोकोनट ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ही हल्का फुल्का अपने बालों में इससे मसाज करनी है, और होली खेलने जाने से पहले आपको अपने फेस पर भी कोकोनट ऑयल लगा कर जाने हैं, ताकि जो भी कलर इस पर लगे, हमारे फेस पे कोई भी कलर लगे, चाहे वो सिंथेटिक हो, हर्बल हो या फिर कोई सा भी कलर हो, इसका जो कलर है वो डायरेक्ट हमारे फेस के सेल्स, जो हमारे सेल्स होते हैं फेस के, उसके कॉन्टैक्ट में ना आए। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई होली खेलने जाने से पहले की, कि आपको अपने फेस पे, हेयर्स पे, नेल्स पे एंड आईज पे क्या क्या चीज़ें लगानी है और अप्लाई करनी है। अब हम बात करते हैं कि आप अगर होली खेल कर आते हैं और हमारे फेस पे लग जाता है कोई पक्के कलर, गुलाल वगैरह, तो आप अपने फेस को वॉश कैसे करें, उसके लिए है एक मेरी तरफ से फेस पैक। तो सबसे पहले हम एक बाउल में ले लेना है 2 चम्मच दही। दही हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाती है, हमारे चेहरे पे ग्लो लाती है, और साथ ही साथ जो भी होली का कलर लगा होगा हमारे फेस पे उसे भी ये दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच शहद। शहद एक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। होली के कुछ रंग ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, इसलिए आप इस वाले फेस पैक में हनी तो ज़रूर ही मिलाएं। हमारे फेस पर जो पोर्स होते हैं उसको भी क्लीन करने के लिए हनी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हनी के अंदर एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे कई गुण होते हैं, इसलिए होली की कलर की वजह से हमारी स्किन जितनी भी डैमेज हुई होगी वो इन सभी को हील करेगा। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2-3 pinch ऑफ टर्मरिक। होली के कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारी स्किन को, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टर्मरिक। हल्दी फिर से हमारी स्किन को रिपेयर करना स्टार्ट करेगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और होली का कलर रखने के बाद आपकी स्किन पर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पिंपल्स, तो आप फिर इस फेस पैक को हफ्ते में 2-3 बार लगाएं।
तो वो सारे पिंपल्स हो जाएंगे जड़ से एकदम खत्म और आपका चेहरा हो जाएगा सॉफ्ट स्मूथ एंड फेयर। होली खेलने के बाद आप आकर इस फेस पैक को सिंपली अपने फेस पे लगा ले, इसे सूखने दे, इसे ड्राई होने दे और फिर इसे सिंपली से वॉश कर ले। कोई भी इसके अंदर इतना ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बहुत ही सिंपल एंड सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इस फेस पैक के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल फेस पैक है जो कि आप इजीली अपने घर पे बना सकते हैं और इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपके फेस और आपकी स्किन को हार्म करे। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जब आप अपने ऐसे फेस पर अप्लाई करें तो हल्के हल्के हाथों से इसकी मसाज जरूर करें ताकि जो भी आपके कलर्स आपके फेस पर लगे हों वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएं। पैक को वॉश करने के बाद आपको सिंपली अपना मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, जो आप मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो घर में। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहते तो सिंपली मेरी तरफ से बेटर ऑप्शन ये है कि आप यूज़ करें कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जितनी बेनिफिट आपको स्किन के लिए देता है उतने बेनिफिट कोई भी मॉइस्चराइजर आपको नहीं दे सकता है। सो फ्रेंड्स, खूब मजे से होली खेलिए, हर्बल रंग का यूज़ करें और खूब सारी गुजिया खाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो ना तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।